अपने सजन संग फेरे लेने की सांची की ख्वाहिश आखिरकार हो गई है पूरी। सांची और विवेक की शादी पूरे रस्म और रिवाज के साथ हुई तो जैसे दूल्हा और दुल्हन को यकीन नहीं हुआ कि इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार दोनों एक दूजे के हो चुके हैं, जन्म जन्मों के बंधन में बन चुके हैं। दो शादियां तो ऐसे ही टूट गई थी, एक बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया था, तो इतने सारे धोखों के बाद जाके मेरी शादी हो गई है, तो इंडीड इट्स अ टास्क जो कि कंप्लीट हुआ है। आखिर तीसरी बार ये सक्सेसफुल हो गई शादी करने में, मंडप तक यहाँ पे उनको पहुँचाया गया है, तो बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। हेलो, आपका भी इसमें पूरा पूरा योगदान है, ये भी चाहते थे मुझसे शादी करना, मैं ऐसी कोई मरी नहीं जा रही थी, आप ही ने मेरे को परस्यू किया इस बार, एक्सेप्टेड। नहीं बिल्कुल, विवेक काबरा ने ही शादी का प्रस्ताव रखा था जो सांची ने पूरे पूरे नखरे करने के बाद उसको स्वीकार किया है। सांची ने झट से विवेक को जयमाला तो पहना दी, लेकिन जब विवेक की बारी आई तो भैया शिव ने अपनी बहना को यूं गोद में उठा लिया। चलिए, सांची और विवेक फेरे भी हो गए और आप दोनों ने एक दूसरे को जयमाला भी पहना दी। अब जरा आप दोनों सात वचनों की एक वानगी भी पेश कर दीजिए। मुझे ना खाना बनाना नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ, तो रोज ये खाना बनाएंगे 3 टाइम। और दूसरा मेरी सारी बदमाशी और मेरी सारी शैतानियों को टॉलरेट करेंगे। और तीसरा, घर में 2-3 सर्वेंट्स रखने पड़ेंगे। कि जो सारी शर्तें हैं मुझे मंजूर है। अरे वाह, मेरी तरफ से जो 4 शर्तें हैं वो ये हैं। पहली शर्त ये कि ये मुझे बहुत डराती हैं, मुझे डराए ना। दूसरी मेरी शर्त ये मुझे बहुत डराती हैं, मुझे डराए ना। तीसरी मेरी शर्त ये है कि ये मुझे बहुत डराती हैं, डराए ना। और चौथी मेरी शर्त ये है कि ये मुझे बहुत डराती है और डराए ना। वैसे सांची की विवेक से शादी हो गई है, मगर सांची को ससुराल में अपनी सास के नखरे झेलने होंगे, जिससे बचने के लिए भाभी आनंदी खूब मदद करेंगी उन्हें। ना कहीं आनंदी जानती है कि सांची उन लोगों का दिल जीत लेगी और सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पर जब तक वो ऐसा नहीं होता तब तक थोड़ी सी टेंशन रहेगी। देखो, शुरुआत से लेकर अभी तक एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है जो आनंदी की मदद के बिना नहीं हुआ है। चलिए, सांची और विवेक, आप दोनों को हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।